रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों और भाइयों के लिए विशेष होता है। बहनें साल भर इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको राखी बांधने के शुभ मुहूर्त और समय की पूरी जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहन को किस तरह का गिफ्ट देना चाहिए, भाई की कलाई पर बहनों को किस आकार प्रकार की राखी बांधनी चाहिए। भूल कर भी बहनों को वीडियो में बताई गई अशुभ राखियों से दूर रहना होगा। हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि इस दिन कुछ उपायों के करने से दरिद्रता दूर की जा सकती है। 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। कभी कभी अनजाने में ऐसी राखियाँ आ जाती हैं जो शुभ नहीं मानी जाती हैं, इसलिए राखी का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। इस समय बाजार में तरह तरह की डिजाइन की कई राखियां मिल रही हैं। खास तौर से चीन से आने वाली राखियां दिखने में सुंदर तो लगती हैं, लेकिन ये भारतीय सभ्यता के हिसाब से नहीं बनी होती हैं। रक्षाबंधन के दिन कुछ खास तरह की राखी बांधने से बचना चाहिए। कई बार दुकानदारों से जाने अनजाने में राखियां लाने में टूट जाती हैं, उसे वापस जोड़कर दुकानदार सही कर देते हैं। अगर कोई राखी खंडित हो जाए तो उसका प्रयोग भाई की कलाई पर कदापि न करें। हालांकि चीन से इस बार ज्यादातर सामान के आयात पर प्रतिबंध है, लेकिन बीते साल की रखी हुई चीनी राखियां मार्केट में उपलब्ध हैं, इसलिए चीन की प्लास्टिक की राखियों से दूरी बनाएं। ज्योतिष के अनुसार प्लास्टिक को केतु का पदार्थ माना जाता है। प्लास्टिक अपयश को बढ़ाता है। भले ही कपास या सूत का धागा ही हो, लेकिन प्लास्टिक की राखियों से बचें। ऐसे में पवित्र रक्षाबंधन के दिन प्लास्टिक की राखियों से बचना चाहिए। कई बार डिजाइनर राखियों को देखकर इसकी शोभा में खो जाते हैं। इन डिजाइनर राखियों में कई भारतीय सभ्यता के हिसाब से सही नहीं बनाई जा रही हैं, अतः इनके प्रयोग से बचना चाहिए। राखी बांधते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि राखी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई धारदार या किसी तरह का कोई हथियार बना हो। कई राखियों में भगवान के चित्र बने होते हैं, इस तरह की राखियों को शुभ नहीं माना जाता है। बहनों को इस तरह की राखी खरीदने से बचना चाहिए। बहनें कोशिश करें कि रेशम से बनी कलावे की या सूती धागे की राखी का प्रयोग करें। इस तरह की राखी बांधने से भाइयों के यश में वृद्धि होती है। कुछ राखियों में बहुत ज्यादा कलाकृतियां उकेरी होती हैं, ऐसी लोहे का वर्क की हुई राखियों को खरीदने से बचना चाहिए। इस बार का रक्षाबंधन वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि इस बार नक्षत्रों की स्थिति बहुत शुभ मानी जा रही है। साथ ही रक्षाबंधन सोमवार के दिन पड़ रहा है, जो कि बहुत दुर्लभ संयोग होता है। रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा होती है, इस तिथि को सौम्या तिथि माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन चंद्रदेव और शिव जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, शांति का निवास होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के हाथ से एक गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का ले लें और बहन के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लें। अपनी बहन को क्षमता अनुसार वस्त्र, पैसे और उपहार भेंट करें। उसके बाद जो गुलाबी कपड़ा और सामान बहन से लिया है उसको बांधकर किसी उचित जगह पर रख दें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होकर आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं, लेकिन उपहार देते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा उपहार दे रहे हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें उपहार में देना सही नहीं रहता है। किसी को भी उपहार में नुकीली और धारदार चीजें नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में ऐसी चीजों को उपहार में देना अशुभ माना गया है, इसलिए रक्षाबंधन पर बहनों को भूल कर भी नुकीली चीजें जैसे मिक्सर ग्राइंडर, चाकुओं का सेट, आईना या फिर फोटो फ्रेम आदि उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही रुमाल भी नहीं देना चाहिए, इससे रिश्ते में दूरी आती है, धन संबंधी नुकसान भी हो जाता है। कुछ लोग अपनी बहनों को रक्षाबंधन के अवसर में बहन की पसंदीदा चप्पलें या फिर सैंडल उपहार में देते हैं, लेकिन जूते चप्पल देना सही नहीं माना जाता है। इससे बेहतर होगा कि आप अपनी बहन के उपहार में शिक्षा की सामग्री जैसे कोई सुंदर सी डायरी, पेन या फिर मोबाइल या लैपटॉप आदि चीजें भी उपहार में दे सकते हैं। ज्योतिष में बुध को बहनों का कारक माना गया है, इसलिए शिक्षा से संबंधित चीजें देना शुभ रहेगा। रक्षाबंधन पर बहन को उपहार स्वरूप उनकी पसंद के वस्त्र देना भी बहुत अच्छा होता है। वैसे भी महिलाओं को कपड़ों की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। स्त्रियों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, उन्हें खुशी देने से माँ लक्ष्मी आपसे भी प्रसन्न होती है। लेकिन इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े नहीं देना चाहिए। रक्षाबंधन पर आप अपनी बहन को तोहफे में कपड़े, आभूषण जैसे नेकलेस, सेट,
इयररिंग्स, रिंग्स, किताबें, म्यूजिक सिस्टम या फिर सोने चांदी के सिक्के आदि तोहफे के रूप में दे सकते हैं। ये तोहफे देना शुभ रहता है। यह चीजें उपहार में देने से भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आती है, साथ ही धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।